शिक्षार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहली खबर ये रहे आपके स्क्रीन पर, यूपी बोर्ड परीक्षा के 5 अगस्त तक मिल सकेंगे प्रवेश पत्र। कोषागार में 10 अगस्त तक एक मुक्त जमा होगा परीक्षा शुल्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश, जिसमें 9वीं से 11वीं के अग्रिम पंजीकरण जो है 25 अगस्त तक मान्य होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड की तरफ से एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अब अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, एक बहुत बड़ी खबर है जो उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर चल रही है भर्ती, और बीच में उत्तर प्रदेश उच्चतर आयोग की तरफ से 917 नए पदों पर विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने उच्च शिक्षा की तैयारी कर रखा है उनके लिए ये बहुत अच्छी अवसर है, तो आप तैयारी करके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अंत्योदय लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड के लिए 20 जुलाई तक अभियान चलेगा। जागरण संवाददाता वाराणसी से ये रिपोर्ट्स जारी की गई है, और इसमें आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान सभी अंत्योदय कार्ड जिनके पास, यानी कि जो अल्प गरीब हैं जिनके पास लाल कार्ड होता है, उन लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये रही, दिल्ली पुलिस भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू है, और आपको बता दें ट्रांसलेटर के पद पर भर्ती के लिए 20 से किए जा सकेंगे आवेदन, और सांख्यिकी अधिकारी पद पर 5 का चयन निरस्त हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं अगली खबर की बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये रही, यहाँ पर बात करें ASI भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत और याचिका खारिज कर दी गई। यूपी हायर जुडिशियल सर्विस की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर बात करें PG समेत अन्य कोर्स के आवेदन पर विराम, यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी कर दी गई है। वहीं पर PG समेत अन्य कोर्स जो हैं उनके आवेदन पर रोक लगा दिया गया है। 11 शहरों में कराई जाएगी प्रवेश परीक्षा। PG समेत अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा 11 शहरों में आयोजित की जाएगी। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत ऐसे तमाम 11 शहर हैं जहाँ पर आप सभी के दाखिले के लिए 35,044 में जो है भरा फार्म, और अगस्त के पहले सप्ताह में प्रवेश की परीक्षा की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रिपोर्ट से यहां पर आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, अभिद्य कक्षा का होगा फेसबुक पेज, यानी कि जो छात्र कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो वो फेसबुक पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर सभी लाइव क्लासे आपको मिलेंगी। अगर बात करें यहाँ पर अगली खबर की तो EKYC कराने वाले किसानों को सम्मान निधि, यानी कि कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग ने 100 दिन के लक्ष्य पूरा किए, जिसमें से 77,000 मृतकों के खाते में सम्मान निधि चली गई है और उन पैसों को वापस लिया जाएगा, ऐसा मंत्री जी का कहना, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IIM के पूर्व विद्यार्थी कराएंगे CUT की तैयारी, यानी कि परीक्षा पास करने के लिए मार्गदर्शन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर बात करें UPPG के सेमेस्टर से परीक्षा से चूके विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा, ये सारे स्क्रीन पर आपकी जानकारी थी। तो आज की अपडेट यहीं पर थी, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।